का दिन नेशनल यूथ डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि आज के दिन का एक खास मकसद है, जो फिलोसोफर रहे हैं स्वामी विवेकानंदा, उनके जन्मदिन में उनको एक ऑनर के तौर पे ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज इसी के हवाले से गवर्नमेंट कॉलेज फ्रिस्टल में भी एक तकरीर मुनक्कद की गई है, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। हमारे साथ अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करेंगे आज के तकरीब के हवाले से कि नेशनल यूथ डे के बारे में वो क्या जानते हैं, उनकी क्या मैसेज है आगे लोगों तक। जी, माय नेम इज़ ज़ैनब नौशाद एंड आई एम अ सिक्स्थ सेमेस्टर स्टूडेंट। एज वी ऑल नो, टुडे इज़ 12th of January एंड वी सेलिब्रेट नेशनल यूथ डे ऑल अक्रॉस द कंट्री इन द मेमोरी ऑफ, इट्स एक्चुअली द बर्थडे ऑफ यूथ आइकन स्वामी विवेकानंदा। सो वी आर एक्चुअली ऑनरिंग हिम बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट यूथ आइकन एंड ही हैज़ लेफ्ट अ मैसेज फॉर ऑल द यंग इंडियंस दैट वी शुड बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स अ गोल एंड वी शुड कंट्रीब्यूट एवरी bit for the service of our country. So we should follow him, follow the icon, and we should do every possible act to do better in our country and add laurels to our nation. As we know, today's theme, National Youth Festival theme is My Bharat, Viksit Bharat. It's by the youth for the people. As we know, My Bharat Viksit Bharat at the rate 2047 is actually an initiative by the government of India, which would witness a $30 trillion economy in 2047. It's already a fifth largest rising economy in the world, and it would be the fourth largest economy in 2027. So it would have all the attributes of a developed nation in 2047. We should work hard for it. So it depends on us how we would work for it. नाजरीन, हमारे साथ दूसरे स्टूडेंट हैं, इनसे भी बात करेंगे। डियर, अपना नाम बताएं आज के मेरा नाम उरूज शेफी है, मैं करंटली क्लास 11th में पढ़ता हूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि आज 27th नेशनल यूथ डे मनाया जा रहा है पूरे इंडिया में, और आज हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फ्रिस्टल में भी ये सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल यूथ डे, जिसकी सबसे जो मेन मैसेज है कि यूथ को, यूथ का फ्यूचर जो है वो कैसे ब्राइट करे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूथ एक बैकबोन है कंट्री की। जिस कंट्री का यूथ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, उस वही कंट्री डेवलप्ड बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हम सबको पता है किसी भी कौम को आगे जो लेते हैं वो यूथ ही होता है, वो यूथ ही होता है। यूथ फंक्शन के हवाले से जो नेशनल यूथ मनाया जा रहा है आपके कॉलेज में, डिग्री कॉलेज फिसल में, इसके बारे में थोड़ा सा। मेरा नाम आलिया रशीद है और मैं 3rd semester की स्टूडेंट हूँ। ये जो नेशनल यूथ डे यहाँ पर मनाया जाए, ये ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है, लेकिन आज हमारे कॉलेज में भी हमें ये मौका मिला कि हम अपने आप को आगे ले जा सके, ताकि हम पता चले व्हाट डू यू मीन बाय यूथ, यूथ क्या है। और ये जो यूथ है, इट ब्रिंग्स अस अ पॉजिटिव चेंज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड, इन एवरी फील्ड, इन अ पॉजिटिव वे वी डेवलप फ्रेश पर्सपेक्टिव। जैसे यंग जनरेशन है, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकती है टू बिल्ड देयर इनिशिएटिव्स, वो अपने आप में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते, अवॉइड वो नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड कर सकते। थैंक यू। कुछ ऐसी यूथ भी है जो अभी भी अफ्रेड है घर से बाहर निकलने में, जो डरते हैं ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने से, या आगे जब उनके सामने कोई माइक लेके जाता है तो जैसे हम ही उनके सामने जाते हैं तो वो डर जाते हैं, उन्हें एक्सपोजर की बहुत ज़्यादा कमी है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे प्रोग्रामों से उन लोगों को आगे आना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा है, उनको आना चाहिए। इवन कॉलेजेस में ही नहीं, हमें स्कूल्स में, हमें हायर सेकेंडरीज में, हमें हर जगह ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सके, ताकि जो ऐसे बच्चे हैं उन्हें चांस मिले कि वो अपने आप में ये डर भगा सके। तो नाज़रीन, आपने देखा यहाँ के स्टूडेंट्स की राय मैंने आप तक पहुँचाई। स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्हें घर से निकल कर आगे आना चाहिए, जो भी मसले मसाइल है यूथ फेस कर रहा है उन्हें लोगों तक वो बात पहुँचानी चाहिए, सो दैट कि उन्हें एक्सपोजर मिले, बाहर आके लोगों से मिले, बातें करे। यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर्स आए थे, उनसे जानकारी हासिल करे कि उन्हें किस चीज़ में प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या करना चाहिए उन्हें, सो दैट कि वो इस चीज़ से निकले। बिकॉज अगर देखा जाए, बहुत सारा जो हमारा यूथ है वो डिप्रेशन का शिकार हुआ है, कुछ लोग अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से शिकार है, कुछ लोग किसी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से शिकार है। तो यूथ को चाहिए कि वो ऐसी जगहों में आए, ऐसे पार्टिसिपेट करें ऐसी इवेंट्स में, सो दैट कि वो इन चीज़ों से बाहर आ सके। कुलगाम से मैं अंजुम मुबारक। प्रोग्राम है नेशनल यूथ डे, जो कि नेशनल वाइड आज प्रोग्राम हो रहा है। इंडिया के हर एक शहर में आज, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लाइव आ रहे हैं और इन युवा पीढ़ी को वो संबोधित कर रहे हैं इन द रिमेम्बरेंस ऑफ ग्रेट स्वामी विवेकानंद।
उनकी फिलॉसफी, उनका जो मॉडर्न इंडिया के उनकी लिखी हुई जो उनकी आइडियोलॉजी है उसको युवा पीढ़ी में डालने के लिए, ताकि इस सिलसिले में हम डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फसल में आए थे, जो कि यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी थी नेहरू युवा केंद्र संगठन, उनके इश्तराक से हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फसल में आए। यहाँ के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं कॉलेज के आउटसाइडर्स से आए थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा इसमें इंटरेस्ट दिखाया और अपने ख्यालात का इजहार किया।